जिम्बाब्वे वर्सेस आयरलैंड के बीच मैच होने वाला है सेकंड ओडीआई मैच। दोस्तों टी20 सीरीज आयरलैंड जीत चुकी है, अब बारी आई है ओडीआई की। फर्स्ट ओडीआई मैच बारिश की वजह से कैंसिल हो गई थी, सेकंड ओडीआई मैच की टीम मेरी ये रही, आप इस टीम के साथ खेलो, हेड टू हेड खेलना, बड़े सारी से जीतोगे। बट अगर टॉस के बाद टीम में कुछ चेंज होती है तो एक बार टेलीग्राम मेरा चेक कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं आज के मैच की। तो हजारे स्पोर्ट्स क्लब जो कि जिम्बाब्वे का पिच है, और जिम्बाब्वे का पिच खासकर ओडीआई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पिच कब कैसा परफॉर्म करेगी हमें समझ नहीं आती है। 200 का इस पिच का एवरेज है, पिछले 5 मुकाबला का मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, रिसेंट का जो 5 मुकाबला हुआ है उसका रिकॉर्ड चेक किया है, 200 से ज्यादा इस पिच पर रन नहीं बनती है। तो आज के मुकाबले में भी 200 से अगर ज्यादा रन लग गई तो समझो कि वही टीम जीतेगी। देन इस पिच पे सबके लिए कुछ है, बारिश के लिए भी कुछ ना कुछ है। दोस्तों बारिश भी कभी भी आ सकती है और अपना जलवा देके जा सकती है, यानी कि मैच जो है वो शॉर्ट हो सकती है, तो आप इसके हिसाब से आप अपना टीम क्रिएट करना। बॉलर की बात की जाए तो पिछले 5 मुकाबले में 70 विकेट गिरे हैं, जिसमें से 34 मिले हैं पेसर को और 35 मिले हैं स्पिनर को। मतलब कि दोस्तों सेम बराबर दोनों को विकेट मिल रही है, यानी कि आप सोचो कि कितना ज्यादा न्यूट्रल पिच है, बट बॉलर के लिए, बैट्समैन के लिए तो कुछ है ही नहीं इस पिच पे। बात करते हैं कि पिछले इन दोनों के बीच में कितने मुकाबले हुए हैं, तो 13 मुकाबले इन दोनों के बीच में हुए हैं, बट दोस्तों 5 मुकाबला जीता है आयरलैंड ने, 3 मुकाबला जीता है जिम्बाब्वे ने। अब बात करते हैं बाकी के बचे हुए मुकाबले, या 13 मुकाबले में से बाकी के बचे हुए मुकाबले किसने जीता, तो उसका कोई रिजल्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर मैच होगी जहां पर बारिश होती है मैच से ज्यादा, तो मैच तो कैंसिल ही होगी ना। कौन कौन से प्लेयर आपके टीम में होने चाहिए, तो देखो दोस्तों जिम्बाब्वे टीम के साथ सिकंदर राजा आपके टीम में होंगे तो आप जीतने के चांस आपके बनते रहेंगे हमेशा। पॉल स्ट्रिंग अगर खेलते हैं तो एक ऐसा प्लेयर है जो कि सबसे पुराना है और कभी भी मैच पलट सकते हैं, उनको रख सक लेना। एंड एंड्रयू बैरब्रिन को आप अपने टीम में रखो। बॉलर में से जसवा लिटिर जो कि मेरे फेवरेट पेसर है उनको आप रख सकते हो, बाकी मेरी टीम है ये, आप इस टीम के साथ खेलो। फाइनल टीम टेलीग्राम पे आएगी, क्योंकि टॉस के बाद पता नहीं क्या हो, क्या चेंज हो जाए, तो टेलीग्राम एक बार चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।